क्लास एट चैप्टर नंबर फोर्टीन अब मॉडल मिलियन मिलियनर तो इसका मैंने चैप्टर नंबर थर्टीन का रीडिंग का अप्रिएशन एट रुपीज़ का मैंने पूरा करवा दिया है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं सपोज़ यू हैड अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेयर आपके पास आपके पास बहुत सारा पेचा पचा है वॉट यू डू आप क्या करोगे वॉट क्या करना चाहोगे टेक बाय लॉट ऑफ बहुत सारी बुक्स खरीदोगे बाय लॉट ऑफ लॉस बहुत सारे कपड़े खरीदोगे हेल्प सम वन इन नीड किसी की मदद करोगे जिसको जरूरत है तो मैं उसकी मदद करूँगी जिससे ज़रूरत है तो ये करो रीडिंग पढ़ेंगे अनलेस वन इज़ वेल्थी जब तक किसी के पास पैसा होता है देयर इज़ नो यूज इन बींग अ चार्मिंग फैलो कोई चार्मिंग चार्म चार फैलो का कोई ज़रूरत नहीं होती है पुअर हुक इंटेलेक्चुअल वी मस्ट एडमिट पुअर हुक हम मानते हैं कि वो इंटले हम मानते हैं हम चाहते हैं मानते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल है ही वॉज नॉट मच इम्पॉर्टेंस लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंट कोई जरूरत नहीं थी ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट थिंग इन हिज लाइफ उसने कुछ भी नहीं कहा है अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बट देन उसके बाद भी ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग फिर भी वो बहुत अच्छा दिखता है विथ हिज क्रिस्पी ब्राउन हेयर उसके बहुत ही कुरकुरे जैसे बाल हैं कत्थई कलर के ही इस क्लियर कट प्रोफाइल उसकी प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर कट है हीज ग्रे आइज उसकी आंखें ग्रे है ही वॉज पॉपुलर विथ मैन एज ही वॉज विथ वन वो मैन और विमेन दोनों में ही बहुत पॉपुलर है लोकप्रिय है ही हैड वेरी एवरी एक्सेप्ट दैट मेकिंग मनी उसने बहुत बहुत ही अचीवमेंट बहुत ही सफलता प्राप्त करी है बिना पैसे बनाए पैसे नहीं बनाए उसने ही लिव्ड इन ऑन टू हंड्रेड ए ईयर वो दो साल दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम एक दो हजार दो, हजा, दो सौ साल की ओल्ड आंट ने उसे अलाउ किया है रहना ही हैड ट्राइड एवरीथिंग उसने सब ट्राई किया था ही हैड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर सिक्स मंथ वो गया था स्टॉक एक्सचेंज के लिए छः महीने के लिए ही हैड टी ही हैड अ टी मर्चेंट फॉर लिटिल लॉन्गर वो टी मर्चेंट भी बना था कुछ दिन के लिए बट हैड सोन ही टायर टो पोए एंड सो कॉन्ग वो थक गया था ये टी की वेराइटी ऑफ चाय पत्ती से ये इनका नाम है अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग अब वो कुछ नहीं करता है ही बट डिलाइटफुल इंटर इफेक्टुअल यंग मैन विद अ परफेक्ट प्रोफाइल नो प्रोफेशन Uh, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है करने का लेकिन उसकी प्रोफाइल वो बहुत अच्छा दिखता है और उसके पास कुछ भी काम नहीं है नो प्रोफेशन टू मेक मैटर्स वॉर्स ये खराब मैटर बनाने के लिए ही वॉज इन लव वो प्यार में था द गर्ल ही लव वॉज लोरा मार्टिन जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था लोरा मार्टिन द डॉटर ऑफ रिटायर कॉनन हु हैड लॉस्ट हिज टेम्पर एंड हिज डाइजेशन इन इंडिया जो जिन्होंने छोड़ दिया था उनका टेम्पर और इंडिया में हैड नेवर फाउंड अगेन और वो वापस नहीं मिले फिर से लोरा ऑल्सो अडोट हिम लोरा भी उससे प्यार करती है दे वर हैंड हैंडसम कपल इन द लंदन वो सबसे खूबसूरत कपल है लंदन के एंड जोड़ी खूबसूरत जोड़ी है हैड नॉट पेनी पीस विद देम उनके बीच में कुछ पैसे की पैसे की बात नहीं थी द कॉलनल वॉज वेरी पाउंड ऑफ यू कॉलल को हु बहुत पसंद था बट नै वु नॉट हीयर ऑफ एनी इंगेजमेंट लेकिन कभी नहीं सुना उनकी कोई इंगेजमेंट कम टू मी मेरे पास आओ माई बॉय मेरे लड़के वेन यू हैव गॉड टेन थाउजेंड पार्ट ऑफ यूर ओन जब तुम्हें टेन थाउजेंड पार्ट खुद के मिल जाएंगे एंड वी विल थिंक अबाउट यूड हम सोचेंगे तुम्हारे

ट्रेवॉर एक सुबह वो गया अपने फ्रेंड महान फ्रेंड के पास गया देखने उसे एल एन ट्रेवॉर ट्रेवर वॉज एन पेंटर ट्रेवर एक पेंटर था इन डीड फ्यू पीपल स्केप नाव नाव अ डेल बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते अभी भी बट ही वॉज एन ऑल्सो आर्टिस्ट लेकिन वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट था आर्टिस्ट वॉज रेदर रेयर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं ऐसे आर्टिस्ट पर्सनली ही वॉज स्ट्रेंज रफ फैलो लेकिन पर्सनली वो बहुत ही खतरा रफ अजीब सा दिखता था विता फ्रेकल उसके फेस पे बहुत ही दाने-दाने, दाग दाग थे बड़े-बड़े और लाल कला की दाढ़ी हाउ एवर वी टुक अप ब्रश ही, ही वॉज अ रियल मास्टर जब हम उसकी ब्रश लेते थे वो बहुत अच्छा मास्टर जब वो अपना ब्रश उठाता था वो बहुत अच्छा मास्टर था हिज पिक्चर वॉज एगर्ली शॉर्ट आफ्टर उसकी ड्रॉइंग बताती थी मतलब बहुत ही दिखाती थी हर चीज ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय ह्यूग एट फर्स्ट वो बहुत अट्रैक्ट हो गया था ह्यूग से पहली बार इट मस्ट बी एक्नॉलेज एंटायर ऑन अकाउंट हिज पर्सनल charm ये उसके uh, ये उसका जान उसके अकाउंट में पर्सनल चार्म था द ओनली पीपल अ पेंटर शुड नो जो सिर्फ एक पेंटर जानना चाहिए ही यूज्ड टू से वो कहता था आर पीपल हु आर ब्यूटी Full people are uh, who are artistic pleasure to look at and intellectual repose to talk to. क्या जो जो खूबसूरत दिखता है लोग जो आर्टिस्ट के खुशी को देखता है ए, उनका उनका इंटेलेक्चुअल काम देखता है उनका काम बोलता है हाउ एवर आफ्टर ही गोट टू नो ह्यूग बेटर जब उसने उसने जाना कि ह्यूग सही है ही लाइक हिम क्वाइट एज मच फॉर हिज ब्राइट स्प्रिट वो उसे दिल से अपनी आत्मा से बहुत पसंद करने लगा एंड हिज जनरस रेकलेस नेचर उसका उसके नेचर को भी एंड एंड गिवन हिम अ परमानेंट एंट्री फ्रॉम फॉर टू हिज स्टूडियो और उसे अपनी परमानेंट एंट्री दे दी स्टूडियो में आने के लिए व्हेन ह्यू कम इन जब ह्यूग आता था ही फाउंड ट्रेवर पुटिंग द फिश फिनिशिंग टच टू द वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ बैगर मैन वो जब आया था हु तो देखा कि ट्रैवर अपनी आखिरी टच दे रहा है अपनी पेंटिंग को अपनी पिक्चर को पेंट करता था वो तो ऑफ द बिगर एक बैगर एक भिखारी एक भिखारी मैन की उसने ड्रॉइंग बनाई थी उसको फाइनल टच दे रहा था मतलब थोड़ा आखिरी आखिरी में द बैगर हिमसेल्फ वॉज ट्रेडिंग ऑन द रेस प्लेटफॉर्म इन द कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो जो बैगर था वो खुद से खड़ा था प्लेटफॉर्म के कॉर्नर में स्टूडियो के ओवर इज सोल्जर फॉर्स फ्लंग आ कोर्स क्लॉक जो उसके कंधों पे क्या था उसके कंधों पे ये उड़ रहा है फ्लंग ठीक है ऑल टीयर एंड टेटर्स उसके कपड़े पूरे फटे हुए हैं इस थी बुट व स्पैच एंड कॉम्बल उसके जो मोटे से जूते हैं वो मरम्मत के थे और पत्थर हो रहे थे विथ वन हैंड ही लंड रफ स्टिक और उसके एक हाथ में एक डंडी थी वायल विद द अदर और दूसरे हाथ में एक चकनाचूर टोपी थी विद फॉर आल पैसों के लिए ये पैसे मांग रहा है ये बैगर है ये पैसे मांग रहा है उसके पूरे कपड़े टैटर टे, टे, हैं टैटर मतलब फटे हुए हैं और उसके एक हाथ में लकड़ी है एक हाथ में हैट है हेट है, है, पैसे के लिए मांग रहा है वो ठीक है वॉट अमेजिंग मॉडल विस्पर्ट यूक्यूक बोलता है कितना अच्छा मॉडल है एज ही शॉक हैंड विथ हिज फ्रेंड वो वो अब शॉक हो गया अपने फ्रेंड के साथ एज अमेज़िंग मॉडल शाउटेड ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस चिल्लाते हुए ट्रेवर बोलता है हाँ बहुत अच्छा मॉडल है आई शुड थिंक सो में भी मुझे भी ऐसा सोचना चाहिए सच बैगर एज़ ही आर नॉट टू बी मेट विथ एवरी डे इस तरह की बिकारी मुझे आज तक रोज नहीं मिलते हैं पुअर ओल्ड कैब शेक हूक बोलता है कि गरीब कैब हाउ मिजरेबल कितना दुखी ही लुक कितना दुखी दिख रहा है बट आई सपोज लेकिन मैंने सोचा टू यू पेंटर्स हिज़ फेस इज इन हिज़ फॉर्च्यून लेकिन तुम्हारे लिए तुम पेंटर्स के लिए उसका उसका फेस बहुत ही क्या है लक्की है सर्टनली रिप्लाई ट्रेवर और फिर ट्रेवर रिप्लाई करता है यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी तुम नहीं चाहते कि कोई भिखारी खुश दिखे डू यू क्या तुम चाहते हो आई होप यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब इसके आगे का पार्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा आप वहाँ जाके देख लेना और आपको कोई और बुक का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्लास का क्लास का नाम बता दीजिए और बुक का नाम बता दीजिए मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग